हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम सिक्स क्लास की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए हैं, आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें साइंस के हिसाब से इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो साइंस होते हैं वे जब भी सेम होंगे, जैसे अगर प्लस और प्लस साइंस आपस में आएंगे तो वो हमेशा प्लस होंगे, वैसे ही अगर माइनस और माइनस आएंगे तो वो भी माइनस होंगे। लेकिन जब ऑपोजिट साइंस आएंगे, जैसे कि प्लस और माइनस, तो वो मिलके माइनस हो जाएंगे, या माइनस प्लस भी आपस में माइनस हो जाएंगे। हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें साइन जो वैल्यू या जो इंटीजर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो अब सॉल्व करना इनको शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 11 प्लस ब्रैकेट में -7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट को हटाएंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 11 प्लस -7। अब यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में एक साथ आ गए, तो प्लस और माइनस किस में चेंज होते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 7। तो 11 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे 11 के साथ कोई भी साइन नहीं है। जब किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे इसे हम प्लस 4 भी लिख सकते हैं या सिंपली 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -13 प्लस ब्रैकेट में +18। तो जब हम इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -13 प्लस +18। तो जब यहाँ पे दो साइंस आपस में आमने सामने आ जाएं तो प्लस प्लस किस में चेंज होगा? प्लस में। -13 प्लस 18। अब यहाँ पे 18 पॉजिटिव है और 13 नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो साइन है माइनस का और प्लस का, आपस में जब दो इंटीजर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके साइंस अलग हों, जैसे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में चेंज होता है? माइनस में। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है। और अब हम 18 और 13 को कैसे माइनस करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। तो 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 5। ये हमारे पास 5 आ गया। और साइन यहाँ पे हम 18 और 13 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 18 बड़ा है, और 18 के साथ साइन था प्लस का, तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस 5। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया प्लस 5। हमारा थर्ड क्वेश्चन है -10 प्लस प्लस 19। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसे भी हम इसकी सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे। यहाँ आ जाएगा -10 प्लस और प्लस आमने सामने, फिर 19। तो प्लस और प्लस किस में चेंज हो जाएंगे? प्लस में। -10 प्लस 19, तो अब हमारे पास साइन आ गए माइनस और प्लस के। माइनस प्लस आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो हम 19 और 10 को आपस में माइनस करेंगे। 19 माइनस 10, हमेशा बड़ी से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहा है। 19 में से 10 गए 9, और साइन बड़ी रकम का। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 19, और 19 के साथ साइन है प्लस का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9। तो हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -250 प्लस प्लस 150। जब यहाँ से हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -250 प्लस प्लस 150। ये दोनों प्लस आपस में मिलकर बन जाएंगे प्लस, तो माइनस और प्लस आपस में हो जाएंगे माइनस। तो 250 से हम क्या करेंगे? 250 माइनस 150। तो 250 से जब हमने 150 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 100, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 250, 250 के साथ है माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 100। हमारा ई पार्ट है -380 प्लस ब्रैकेट में -270। तो अब हम इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -380 प्लस माइनस 270। अब यहाँ पे हमारे पास साइन आए प्लस और माइनस के। प्लस और माइनस आपस में किस में चेंज होता है? माइनस में।
तो अब हमारे पास साइन आ गए माइनस और माइनस, ये चेंज हो जाएगा माइनस 380 माइनस 270। अब हमारे पास दोनों साइन किसके हैं, माइनस के हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 380 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 7 15, कैरी गया 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पे साइन बड़ी रकम का, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 380, और 380 के साथ था माइनस, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 650। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ पार्ट, माइनस 217 प्लस ब्रैकेट में माइनस 100। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट ओपन्स करेंगे, माइनस 217 प्लस माइनस 100। अब यहाँ पे जब प्लस और माइनस अपने आमने सामने आए, तो प्लस और माइनस किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस में, तो ये वैल्यू को हम लिखेंगे माइनस 217 माइनस 100। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 217 प्लस 100 ये मिलके आ गया 317, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया माइनस 317। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया।